तो क्या आप न्यू चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं और कंफ्यूज है कि चंडीगढ़ के पास प्रॉपर्टी ले कहाँ, तो आपकी सर्च खत्म होती है। आज मैं गौरव आज आपको लेके जाने वाला हूँ चंडीगढ़ के पास ऐसे 13 प्रोजेक्ट जहाँ आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर। तो व्यूअर्स इस वीडियो में आखिरी तक बने रहे एंड इन 13 प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपको किसी भी प्रोजेक्ट की अपनी क्वेरी चाहिए हो तो मेरा नंबर है वो स्क्रीन पे भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है, आप मुझे 7 days a week कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हाँ, एक और बात व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वॉइस कुछ कमेंट्री की तरह लग रही है तो उसके लिए माफीनामा, क्योंकि मैं पहले क्रिकेट खेलता था, बहुत मैचों में मैंने कमेंट्री भी करी है तो वो चीज यहाँ पर थोड़ी रिलेट हो सकती है, तो उसके रिगार्डिंग मैं माफी चाहता हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एक और प्लान सिटी बन रही है जो नेक्स्ट टू चंडीगढ़, 0 kilometers फ्रॉम चंडीगढ़, न्यू चंडीगढ़ के नाम से टूर देने वाला हूँ। इसमें आपको मैं सब कुछ ब्रीफ करूंगा न्यू चंडीगढ़ के बारे में, आपके घर बैठे बैठे बहुत ही प्रेसियस इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ आपके आसपास की लोकेलिटी की। जिस राउंड अबाउट पे मैं अभी खड़ा हूँ वो जगह एग्जैक्टली चंडीगढ़ का एंड एंड न्यू चंडीगढ़ की स्टार्टिंग है। यहाँ पर 3 कनेक्टिविटीज हमें कनेक्ट करती है न्यू चंडीगढ़ से, दक्षिण मार्ग से, मध्य मार्ग से, एयरपोर्ट रोड से। हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं चंडीगढ़ से। अब हम एंटर कर चुके हैं न्यू चंडीगढ़ में एंड सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वो है QA1 प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है सारा सोल्ड आउट है। जो इसके बाद प्रोजेक्ट आ रहा है गाइस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और लग्जूरियस प्रोजेक्ट है। यहाँ पर मारबेला ट्विन टावर्स गाइस, ये मारबेला ग्रुप जो है ये मोहाली में भी एस्टैब्लिश्ड है मारबेला ग्रैंड के नाम से। ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, दिस इज ए प्योर लग्जरी प्रोजेक्ट। इसमें हम 5 BHK लेके आ रहे हैं, 33 floors गाइस, 33 floors मतलब छत पे जाके एरोप्लेन छू लो गाइस। 4390 square foot अप्रोक्सीमेटली 264 units। जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो है मायवान कंस्ट्रक्शन, सेकेंड प्रोजेक्ट पे आ चुके हैं जिसका नाम है मनोहर सिंह एंड कंपनी। जो प्रोजेक्ट नहीं गाइस ये एक टाउनशिप है बेसिकली, 350+ acres गाइस, 350+ acres, एक बहुत ही शानदार टाउनशिप, बहुत ही शानदार एरिया में। एंट्रेंस देखिए आप एक बार, इतनी ब्यूटीफुल एंट्रेंस, लश ग्रीन एरिया। तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स में हमारे पास यहाँ पर 3 categories आ जाती हैं, जो है हमारी 293 square yard और जो इसका रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 65,000 पर स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट हो जाता है, और जो 500 गज का हमारा स्टार्टिंग प्राइस है वो रहता है 80,000 रुपए गज के हिसाब। अब हम आगे अपने बिल्डर फ्लोर्स के एरियाज पे जो पाम रेजिडेंसी के नाम से जाने जाते हैं, बिल्डर फ्लोर्स है, इनका जो सुपर एरिया रहता है वो रहता है 3690 to 5490। अभी मैंने जो आपको बिल्डर फ्लोर्स दिखाए हैं मनोहर सिंह एंड कंपनी में, जो है इसका पेमेंट प्लान 30-70, जो 30% है वो हमने बुकिंग अमाउंट पे देना है और जो 70% है वो हमने पोजीशन पे देना है। अब हम अपनी अगली साइड की तरफ बढ़ चुके हैं जो है इको सिटी 1। इको सिटी 1 साइट गमाडा के अंदर आती है। यहाँ पर हमारे पास 100 से लेकर 500 गज तक के रेजिडेंशियल प्लॉट्स आते हैं जिनके हमारे प्राइसेस रहते हैं 70,000 रुपए से 90,000 रुपए गज तक, और इसमें हमारे पास कुछ कमर्शियल बूथ्स एंड शोरूम्स भी अवेलेबल है, SCOs भी अवेलेबल है। अब सामने जो आप राउंड अबाउट देख रहे हैं इसके बाद ही एक और प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है जिसका नाम है DLF। ये 3 pockets में डिवाइडेड है, जो है R1, R2 और R3। रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल है जिनकी हमारी साइजेस रहती है 250, 350 और 500। और लेफ्ट हैंड साइड पे आप मेरे देख सकते हैं बहुत ही शानदार क्लब हाउस है। तो गाइज अब हम मेडी सिटी में एंटर कर चुके हैं, यहाँ पर आपको हॉस्पिटल्स, मेडिकल केयर, ये सब चीजें अवेलेबल मिलेंगी। और ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया आपको होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। अगेन आ जाता है गरीबल आई हॉस्पिटल जो विद इन अ फ्यू मंथ्स वर्किंग हो जाएगा। मेरे सबसे पहली जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे वो है इंटरनेशनल ट्रेड टावर, उसके बाद जो बिल्डिंग आ रही है वो है इंडियन ट्रेड टावर, और लेफ्ट में जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग चल रही है वो है हॉलिडे इन होटल। ही कुछ ब्रांड्स आ चुके हैं, इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सबवे, बरिस्ता, चावलास, डोमिनोज, KFC। अभी हम जिस साइड पे खड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट का नाम है ओमैक्स द लेक, एंड यहाँ पर जो हमारे पास इन्वेंट्रीज हैं वो है 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK। 35 acres के लैंड में 90 storage buildings बना रहे हैं। ये साइजेस हैं वो स्टार्ट होते हैं 1260 square foot से। अब जो प्रोजेक्ट मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहा है इस प्रोजेक्ट का नाम है अंबिका फ्लोरेंस पार्क।
इसमें आपको 2, 3 और 4 BHK की कैटेगरी के अपार्टमेंट मिलते हैं। इसी के साथ मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ही एक और प्रोजेक्ट आता है ओमैक्स ग्रुप का ही, जिसका नाम है द रिजॉर्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ये एकदम आपको रिजॉर्ट वाली फील ही देने वाला है। इसमें भी आपको 2, 3 और 4 BHK के अपार्टमेंट अवेलेबल होंगे। ये जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप एंट्रेंस देख रहे हैं, ये एंट्रेंस है ओमैक्स फेस 2 की, और ये जो राइट हैंड साइड पे आप एंट्री देख रहे हैं ये है ओमैक्स फेस 1 की। अब हमारा ओमैक्स का लास्ट प्रोजेक्ट आता है जो है ओमैक्स फेस 3। इसमें भी आपको बिल्डर फ्लोर्स एंड प्लॉट्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है हमारे ओमैक्स फेस 3 की एंट्री। तो फेस 1 में हमारे पास 300 से 500 गज के प्लॉट्स हैं जिनके प्राइस रहते हैं 90 से 1 लाख रुपए तक। फेस 2 में हमारे पास 200 से 500 गज के प्लॉट्स हैं जिनके प्राइस रहते हैं 65 to 80, एंड फेस 3 में हमारे पास 115 से 500 गज के प्लॉट्स रहते हैं जिनके प्राइस रहते हैं 70,000 to 90,000। और अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं गाइस PCA स्टेडियम आ चुका है। ये जो नया स्टेडियम बना है, पंजाब के जो लोकल रहते हैं आसपास वो मैच भी देखने आए होंगे यहाँ पर, जब IPL के किंग्स इलेवन पंजाब के मैचेस हुए हैं यहाँ पर। अगर दक्षिण मार्ग से आप डायरेक्ट आते हैं न्यू चंडीगढ़ की तरफ, तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा दी एड्रेस। यहाँ पर भी आपके पास 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK के ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। ये जो बाहर आप देख रहे हैं ये सारा दी एड्रेस का ही कमर्शियल एरिया है, और ये इसकी मेन एंट्रेंस। ये गाइस हमारी स्टार्ट हो चुकी है PR7 रोड। तो गाइस ये जो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं ये है हमारी सनटेक सिटी, और ये जो ग्रैंड एंट्रेंस आप देख रहे हैं ये सनटेक सिटी की ही ग्रैंड एंट्रेंस है। यहाँ पर जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है वो रहती है हमारी 200 गज से 1600 गज। टाउनशिप में रेजिडेंशियल प्लॉट्स, बिल्डर फ्लोर्स और कमर्शियल्स भी हैं। आज का टूर हमारा यहीं पर खत्म होता है, एंड आज के टूर के जितने भी प्रोजेक्ट्स आपको दिखाए हैं उसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। सो प्लीज डू कॉन्टेक्ट अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।